हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट टेक फन। आज टेक्नोलॉजी का युग है और इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है इंटरनेट, और इंटरनेट में इस समय 5G इंटरनेट आ चुका है जो दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है और भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। 5G की शुरुआत भारत में अक्टूबर 2022 से ही हो चुकी है और 2023 के अंत तक इंडिया के कोने कोने में आ जाएगा। सबसे पहले 5G की शुरुआत करने वाला देश था कोरिया। अगर बात करें 5G, 4G, 3G, 2G और 1G, तो इसमें G का मतलब क्या होता है तो शुरू करते हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। G का मतलब है जनरेशन, अर्थात पीढ़ी। जब जब तकनीक एक कदम आगे बढ़ती है उसे जनरेशन का टैग दे दिया जाता है। सबसे पहले 1G की शुरुआत सन 1980 में हुई थी जो एनालॉग सिग्नल पर काम करता था। इसमें स्पीड 2.4 KBPS मिलती थी, आज के मुकाबले कितनी कम। 2G को सन 1990 में रोल आउट किया गया। इसमें वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज प्रमुख सेवाएं थी। इसमें GSM, GPRS और एज नेटवर्क की शुरुआत हुई। इसमें 64 KBPS की स्पीड मिलती थी। 3G सन 2000 के दशक में आया और इंडिया में 2008 में 3G रोल आउट हुआ। इसमें स्पीड 14 MBPS तक होती थी। 3G से कम्युनिकेशन में इजाफा हुआ। 4G वर्ल्ड में 2010 में और इंडिया में 2012 में लॉन्च हुआ। यह LTE यानी लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन पर बेस्ड थी। इसमें स्पीड 100 MBPS से 1 GBPS तक बढ़ गई। 4G के आने से इंटरनेट में क्रांति आ गई। 5G न्यू रेडियो की तकनीक पर काम करती है। इसमें स्पीड 10 GBPS तक होगी। 5G की स्पीड 4G के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है। 5G नेटवर्क से सारे काम रियल टाइम में होंगे। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी हाई मल्टी GPPS पीक डेटा स्पीड देगी। 5G इंडिया के 13 सिटीज़ में पहले ही लॉन्च हो चुका है जो 2023 के लास्ट तक इंडिया के कोने कोने में फैल जाएगा। 5G के आने से अलग ही रिवॉल्यूशन आएगा। एग्जाम्पल AI तकनीकी, सेल्फ ड्राइविंग कार, रियल टाइम ग्रॉस वर्क एंड इकोनॉमिक पर भी असर पड़ेगा।